ये कहानी का प्रथम भाग है प्यारे मित्रों। दयावान ईश्वर का दयालु और करुणामय चेहरे का एक पहचान है। इस कहानी के गौर भाग है जिस पर हम सभी वहां खड़े दिखे देते हैं। यह है ज्येष्ठ पुत्र की कहानी, बड़े बेटे की कहानी। वह खेत से लौट रहा है तो घर पर गीत संगीत के आवाज सुनते हैं, नौकरों को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है प्यारे, क्या हो रहा है यहां पर। तो नौकर कहते हैं कि आपका छोटा भाई वापस आ गया है, आपकी छोटा भाई वापस आ गया है और उनके आदर में, उनकी खुशी में आपके पिता ने बड़े जश्न का एक माहौल तैयार किया है। भोज हो रही है, बछड़ा मारा गया है, बड़ी खुशी का आलम। लेकिन उस ज्येष्ठ पुत्र की भावनाओं पर जरा गौर कीजिए प्यारे मित्रों। वो एकदम से नाराज हो जाता है, वो एकदम से नाराज हो जाता है। शायद उस घर पर जब सारे जश्न का माहौल था, सभी लोग खुश थे, सिर्फ एक व्यक्ति वहां नाराज हो जाते हैं, वो ज्येष्ठ पुत्र था। उनकी कोई गलती थी? कोई गलती नहीं थी, वो सब सही था, अपने पिता का वचनों के अनुसार चला था, उसमें से जरा भी इधर या उधर नहीं गया था। जैसे वो कहते थे कहते गए, वैसे वो करते गए। आज्ञाकारी पुत्र था, सब कुछ सही था, सब कुछ नियमों के अनुसार वो चला करता था। पर फिर भी जब घर में पूरा जश्न का माहौल था, सब खुश थे, सिर्फ एक व्यक्ति वहां पर नाराज थे, वो खुशी में वो शामिल नहीं हो पा रहा था। कौन था वो व्यक्ति? कोई दूर के लोग नहीं है, पड़ोसी नहीं है, अपने ही खून, उनका बड़ा भाई। वो खुश नहीं था, वो खुश नहीं था, खुश नहीं था, और खुश नहीं होने के साथ साथ वो नाराज भी था। और इसलिए सबसे प्रथम वो अपने पिता से बहस करते हैं। अभी तक तो आज्ञाकारी पुत्र था, सब कुछ ठीक ठाक था, पर जब ये घटना घटती है तो वह अपने पिता के साथ में बहस करते हैं, बहस करते हैं प्यारे मित्रों। और वह कहते हैं कि तूने कैसे इस पुत्र को रख लिया, तूने कैसे इस पुत्र को रख लिया जिन्होंने तुम्हारा नाम को मिट्टी में मिला दिया, सारे पैसे उड़ा दिए, और उसके बावजूद भी इस पुत्र को तूने क्यों रख लिया, जब मैं तुम्हारे साथ हमेशा था, मेरे लिए तुमने कुछ भी पार्टी करने की कोई व्यवस्था नहीं करी। जैसे ही ये लड़का, ये पुत्र जिन्होंने वेश्याओं के पीछे अपने पूरे संपत्ति उड़ा दी थी, जब वापस लौटते तुम उसके लिए बड़ा पार्टी का आयोजन किया है। ये गलत बात है, गलत बात है ना, ये गलत बात है ना प्यारे मित्रों। ये है न्याय की बातें, ये है न्याय की बातें। उनका नाराज होना सही था, शायद गलत नहीं था, वो न्याय होता है। अगर छोटे बेटे ने, छोटे भाई ने गलती किया हो, गलती की सजा उन्हें मिलनी चाहिए, न्याय की बातें होती है, यहां न्याय की बातें होती है। पर यीशु न्याय से परे हैं, तभी वो दया दिखाते हैं। जहां न्याय की बातें होती है वहां दया नहीं दिखाई जा सकती है, वहां दया नहीं दिखा जा सकता है। जहां पर न्याय की बातें खत्म होती है वहां पर दया शुरू होती है। सारी बातों को बुला देना वो पिता, सारी बातों को बुला देना वो पिता, न्याय की बातें नहीं कहते हैं, वह दया की बातों पर विश्वास करते। हमारे ईश्वर दया के ईश्वर है, प्रेम का परमेश्वर है। वो हमारे गलतियों को न्याय की दृष्टि से नहीं देखता है, वो हमारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं, अपनी दया पर विश्वास करते हैं, हमें दया दिखाते हैं। एक और व्यक्ति को परिचित कराना चाहूंगा जो प्रभु ने अपने जीते ही अपने जीवन में दया का परम काष्ठा का रूप, प्रतिरूप कार्य दिखाया था। वो व्यक्ति और कोई नहीं, संत पेत्रुस। संत पेत्रुस के बारे में हमने काफी चर्चा की है। संत पेत्रुस को प्रभु ने अपने शिष्य प्रधान बनाया था,
संमति के सुसमाचार अध्याय 16, संमति के सुसमाचार अध्याय 16 में प्रभु संमति को शिष्यों का प्रमुख बना देता, नेता बना देता है। उनसे कहते हैं, तुम पत्थर हो, इस पत्थर पर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। पेत्रुस के बारे में कहते हैं, पर क्या होता है, पेत्रुस सबसे कमजोर नेता के रूप में हमारे सामने पेश आते हैं। हमने पिछले शायद आराधना में पेत्रुस के बारे में बड़ी विस्तृत रूप से चर्चा की है, मनन किया है। फिर से याद दिलाना चाहूंगा, किसके सामने वो अपना सारा सब कुछ खो दिया था? एक द्वारपाली के सामने, एक सेवक के सामने, अपने गुरु को, जिनके लिए वो अपना जीवन प्राण देने के लिए तैयार था, टुकरा देते हैं। जिनको शिष्य प्रधान बनाया था, वह एक कमजोर व्यक्ति के सामने अपने गुरु को ठुकरा देते हैं, सन पेत्रुस। और उसके बाद में जब पुनरुत्थित प्रभु वापस सन पेत्रुस को जब दर्शन देते हैं, क्या करते हैं, कहते हैं कि तुम जो स्थान मैं तुम्हारे लिए दिया था उसके लिए लायक नहीं था, ऐसा नहीं कहा। वो प्रभु उनको भी माफी कर देते हैं। तुमने मुझे ठुकरा दिया था ना, तूने मुझे ठुकरा दिया था, इसलिए तुम शिष्यों के नेता नहीं बन सकते कभी भी, ऐसा नहीं कहा था। वो फिर से पेत्रुस पर पूरा भरोसा रखते हैं, पूरा विश्वास करते हैं, फिर से उन्हीं कमजोर कड़ी को, कमजोर पत्थर पर शायद कलीसिया बनाने का मन बना लेता है। ये न्याय की बात नहीं है। कोई भी सोच समझदार व्यक्ति इस प्रकार का निर्णय नहीं लेता है। सोच समझदार व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव किए चीजों के अनुसार अपना निर्णय लेता है। एक बार तो धोखा खा चुका है, दूसरी बार धोखा कभी होना नहीं चाहिए था, लेकिन जिन्होंने उन पर धोखा दिया उस पर पूरा भरोसा रखते हैं प्रभु परमेश्वर। इस प्रकार का ईश्वर है हमारा ईश्वर। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे ईश्वर के सामने न्याय से परे दया की भावना है। तभी हम इस वर्ष दया का वर्ष मनाते हैं, दयामय चेहरा को हम आदते हैं। प्रभु दया से हम सबकी मुक्ति की है। एक और दृष्टांत आप सबों को मैं याद दिलाना चाहूंगा, वो दृष्टांत है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 प्रसंग 1-16 में लिखा गया है, जिस पर स्वामी बाहर निकलते हैं, खेत में काम है तो इसलिए सेवकों को नियुक्त करते हैं, बाहर निकलते हैं, कुछ लोग खड़े मिलते हैं, उन्हें 9 बजे अपने खेत पर लगा लेते हैं, बाहर फिर से चले जाते हैं, 10 बजे कुछ लोग मिलते हैं, उन्हें भी अपने खेत में लगा लेते हैं, 12 बजे निकलते हैं, उन्हें भी खेत में लगा लेते हैं, 4 बजे निकलते हैं, उन्हें भी खेत में लगा लेते हैं, 5 बजे भी निकलते हैं, 1 घंटे के लिए उन्हें भी खेत में लगा लेते हैं, और जब 6 बज गया, साया हो गई, तो उस समय अपने नौकर को कहते हैं, सभी को अपनी हिस्सेदारी का वेतन दे दो। पहले से बताया था, क्या बताया था, मैं तुम्हें न्याय का वेतन दूंगा। मान लीजिए आज के पैमाने पर उनको उनसे 300 रुपए का न्याय का वेतन देने का बात कही हो, तो उन्हें 300 रुपए देते हैं। और जो सबसे लास्ट में काम पे लगाए हुए व्यक्ति को भी 300 रुपए मिलते हैं। तो क्या होता है, जो पहले से काम में लगे हुए लोग उन पर बुनबुनाने लगते हैं। जो व्यक्ति 1 घंटा ही काम किया उसको तूने 300 दिया, हम दिन भर मेहनत किए, हमें भी तू 300 रुपए दिए। हालांकि बात तो न्याय की थी, लेकिन ईश्वर के नजर में ये न्याय नहीं था। वो अपने हिसाब से न्याय का परिभाषा करते हैं। प्यारे मित्रों, आप सबों को हम आज प्रभु के इस न्याय के बारे में मनन चिंतन करने के लिए हम सभी मिलकर प्रभु के न्याय के ऊपर मनन चिंतन करते हैं। प्रभु का न्याय पर न्याय की बातों से ज्यादा जो हम सोचते हैं न्याय है, उससे बढ़कर दया आगे आती है। आज के इस प्रार्थना सभा में हम उन तमाम लोगों को लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं
जिन्होंने हमारे ऊपर अपराध किए हैं, जिनके साथ में हमारा संबंध बिगड़ चुका है। संत लूकास के सुसमाचार में उस पिता के बारे में हमने सुना, उस पिता के बारे में सुना जिन्होंने अपने पिता को जीते ही अपने संपत्ति मांगकर वो पूरे संपत्ति को उड़ा देता है, अपने पिता की बेइज्जती करते हैं और जीते ही उन्हें मृत घोषित करते हुए घर से निकल जाता है। आज हम तमाम परिवारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, विशेष रूप से जिनके परिवार में समस्याएं हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम सब से यही कहते हैं कि पूरी तरह से क्षमा कर मेरी दया का अनुभव कीजिए। प्रभु दया का सागर है, प्रभु कृपा का परम भंडार है। आइए अपने दिलों को जो प्रेम से दया से खाली है उस प्रेम के भंडार से भरने के लिए इस समय को बिताए। आइए आराधना में हम सभी को क्षमा करने के पहले, रिश्तों के लिए प्रार्थना करने के पहले उस पवित्र आत्मा को हमारे बीच में आमंत्रित करते हैं, उस पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं। पवित्र आत्मा जो यीशु का वादा था आज भी हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे संग उपस्थित है, हमें प्रार्थना करने के लिए, हमें क्षमा करने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए हमारे बीच में आज भी उपस्थित है। आइए भक्तिपूर्ण रूप से हम इस आराधना में भाग लेते हुए उस पवित्र आत्मा को हमारे बीच में आमंत्रित करें। हमारे बीच में उतरा,
रोमियों के नाम अध्याय 8 वचनों में इस प्रकार कहा गया है, आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। हम नहीं जानते हैं कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन वह स्पष्ट आह्वान द्वारा हमारे लिए हमारी सहायता करता है, हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। आज हम इस वक्त तेरे भक्त यहां पर उपस्थित है और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे भक्तों पर अपने पवित्र आत्मा को भेज, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। प्रभु जी, हमें चंगाई देने के लिए आपके पवित्र आत्मा को भेजिए, हमारे दिल को फिर से पूर्ण बनाने के लिए पवित्र आत्मा को हमारे बीच में उतारिए। तूने वादा किया था तेरे जाने के बाद में कि तू अपना सहायक को हमारे बीच में भेजेंगे, और आज इस वक्त हम दिल से दुआ करते हैं, हमारे बीच में अपने पवित्र आत्मा को भेजिए, हम सभी को अपने पवित्र आत्मा के आगोश में कर दीजिए और हम सबको अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। Yes, Lord. आत्मा हमारे बीच में उतरा, आज हमारे परिवारों के लिए विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम हमारे परिवार में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु जी, विशेष रूप से आज हम दया की याचना करते हैं, हमारे दिल को आपकी दया से, आपके कृपा से, आपकी क्षमा से भर दीजिए, ताकि हम भी एक दूसरे के प्रति क्षमा करें, दया दिखा सके। प्रभु जी, तू दया का सागर है और हम सबको अपनी दया दिखाते हैं, और इस वक्त हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अपनी दया हमारे ऊपर प्रदर्शित कर, ताकि हम भी एक दूसरे के प्रति दयावान बने रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम इस गीत को फिर से दोहराते हैं और पवित्र आत्मा को हमारे बीच में स्वागत करते हैं।
वक्त हमारे लिए आराधना का समय है, हम सबों के लिए अनुग्रह का अवसर है। आज प्रभु हमारे घरों में, हमारे परिवारों में इस टीवी के माध्यम से आए हैं, लेकिन आए हमारे स्वयं ईश्वर के पुत्र यीशु है। आज अगर हम प्रभु की ओर वापस मुड़ना चाहते हैं तो प्रभु अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए हम सबों को अपने गले मिलने के लिए, अपने सारे अपराधों को क्षमा करने के लिए, हमारे ऊपर पूरी तरह से दया दिखाने के लिए दया से द्रवित दिल से उपस्थित है। आज हमें उनके पास अनुग्रह के सिंहासन की ओर वापस लौटना है और उनसे उस दया और अनुग्रह हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए अर्जित करना है। प्रभु दया का भंडार है, दया कृपा का और वो अनुग्रह का भंडार है, और दया उनसे सदा निकलती रहती है। उन्हें हमें उसे अनुभव करना है और हमें भी एक दूसरे के प्रति हमें क्षमा करना है, दया करना है। आज हम रिश्तों के लिए प्रार्थना करते हैं, रिश्तों में प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम सबको आपके पवित्र आत्मा से भर दीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हालेलुया, 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 हमारे बीच आइए, आपके पवित्र आत्मा को भेजिए, अपने पवित्र आत्मा को भेजिए, अपनी पवित्र आत्मा को भेजिए, हमारे परिवारों को, हमारे जीवन को कृपाओं से भर दीजिए, आशीषों से भर दीजिए, वरदानों से भर दीजिए, दया से भर दीजिए, दया से भर दीजिए। हाँ प्यारे मित्रों, इस वक्त जैसे हमने कहा, आज परिवार के लिए प्रार्थना हम कर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं उन तमाम परिवारों के लिए जिन पर, जिन परिवार के पारिवारिक जीवन में प्रेम सूख गया है, प्रेम के झरने से प्रभु अनुग्रह पाने के लिए हम सब बुला रहे हैं। आज के वचन में हमने सुना कि उस पिता ने किस प्रकार अपने पुत्र को अनकंडीशनली, किसी भी कंडीशन के बिना पूरी तरह से क्षमा करते हैं, पूरा अधिकार वापस देता है, फिर से अपने पुत्र बना लेते हैं। उस पिता के बच्चे हम सबको हमारे जीवन में भी एक दूसरे से क्षमा करना है, एक दूसरे को दया दिखानी है। आज प्रभु हम सबको यही आह्वान करते हैं, आज हम सबको हमारे परिवार में अगर हमारे पिता हमसे अलग हैं, हम उनसे बात नहीं करते हैं, कोई छोटी मोटी गलती के कारण हमने अपना सारा नाता उनसे तोड़ दिया है, तो आज प्रभु उन तमाम रिश्तों को वापस पुनः पूर्ण बनाने के लिए हमारे बीच में, हमारे परिवार में इस रोटी के रूप में उपस्थित है। रोकर उनसे कहें कि प्रभु मैं मेरे पुत्र को, मेरी पुत्री को, मेरे पिता को, मेरी माँ को आज आपके नाम पर क्षमा करता हूं। प्रभु हमसे भी कहेंगे जो जकेबुस से कहा था, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, मुक्ति का आगमन हुआ है, मुक्ति का आगमन हुआ। ये हम एक और गीत गाते हुए प्रभु को हमारे बीच में बुलाए और प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें क्षमा का वरदान प्रदान करे, हमारे दिलों को उनकी दया से भर दे, उनके कृपा से भर दे, उनकी क्षमा से भर दे, उनकी शांति से भर दे, उनकी कृपाओं से भर दे, उनकी आशीष से भर दे।